गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू चैनल एक और नई शुरुआत। लुक आज का ये है, ये अभी अलमारी हम यहाँ पे लाए हैं क्योंकि मेरे कमरे का, अच्छा मेरे कमरे का लुक देख रहे हो यार, ये सब तुमने मिस कर दिया होगा व्लॉग में क्योंकि आज टाइम नहीं मिला मेरे को, बट ये अभी अभी टूट गया है। ये मेरे कमरे में नई अलमारी और ये आया है, ठीक है, नई अलमारी पुरानी, नया बेड, ठीक है। तो सीन ऐसा है कि भाई आज है रिसेप्शन और मैं हो चुका हूँ रिसेप्शन के लिए फुल सेट। ये मेरा आज का आउटफिट रहेगा, बाकी मम्मा और सलांचा ने कुछ ब्लैक पहना है। और थोड़ा सा सीन ऐसा है कि रिसेप्शन डायरेक्ट करने के बाद मैं चला जाऊँगा दिल्ली आज ही। तो सीन इज़ कि 11:30 के अराउंड की मेरी बस है, 11:30 डायरेक्टली मैं शादी से चेंज करूँगा। ये मेरे कपड़े पड़े हैं, ये वाले मैं ऐसे ही रख दूँगा कार में, वहीं से चेंज करके और मैं निकल जाऊँगा वापस अपने कामकाजी जीवन को सफल करने में। और फिर पता नहीं घर कब आना होगा, अभी कुछ टाइम के बाद दिल्ली क्यों बोलता हूँ यार, मेरी नौकरी गुड़गांव में रहता दिल्ली में, बट तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं डैडी मम्मा सबसे मिल लूँ, उसके बाद शादी में चल के वहीं से निकल जाऊँगा। मम्मा और सुनाचो तो मेरे साथ जा रहे हैं, डैडी आज नहीं जा रहे शादी में क्योंकि उनकी थोड़ी सी तबियत खराब है, बट ठीक है। ओके, और यू आर बॉय गोइंग एंड यू आर स्लीपिंग, व्हाट इज दिस बिहेवियर, ठंडा लग रहा है, व्हाट इज दिस बिहेवियर, क्या कुछ अभी भेजो, आप भी चलोगे शादी में, और भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक, हम लोग अभी तक तो लोकेशन के आसपास भी नहीं पहुँचे पर भीड़ में ही फंस गए हम लोग। एक तो निकले लेट हैं, ऑलमोस्ट 10 बजने को आ गए पर फंसते ही जा रहे हैं भीड़ में। ये गलियों से आना बेकार है पर ऊपर से हमें बहुत लंबा पड़ता है, अगर यहाँ आना हो तो हमें बगल में ही, तो ऐसा है थोड़ा सा सिस्टम खराब। तो गाइस ये रहा सोएब की दुकान, हेलो बहुत ध्यान से देख रहा हूँ, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया उसे, वो कह रहा कोई से हाँ उसको शीशे में दिखा, वरना वो गाड़ी तो पहचान लेता है। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करनी है मेरे को यहाँ से और एग्जैक्ट यहीं से मुझे अपनी बस मिल जाएगी सामने से। तो ये उन्होंने वेन्यू जो है ना मेरे हिसाब से रखा है, मैंने पहले बताया था मौसी को, मैंने कहा ऐसा ऐसा चाहिए, तब क्या करूँ गाड़ी भारी लगा दूँ, मम्मी आपको निकालने में आसानी रहेगी, हैं यहीं लगा देता हूँ। और फॉर डे सम डेज ये मेरा जो हाथी रहेगा यहीं रहेगा, काले लिबास में काले कुकर्म करने वाली लड़की, और ये काड़ों के साथ भूरे वाली, ये कम कुकर्म करने वाली लड़की, ये कम थोड़े उल्टे काम करने वाली, और मैं गाइस मैं पिंक, पता है क्यों, बिकॉज आई एम अ पिंक फ्लैग। आई वोर दिस एग्जैक्टली सेम आउटफिट यस्टरडे एज वेल, बट कल मेरी कुछ हॉट वाली फोटोज नहीं आ पाई, प्लस कल हम जल्दी आ गए थे घर वापस, इसलिए आज हम लेट आए हैं मैनेज करने के लिए टाइम। दिस इज द वेन्यू, अरे हार्ड वर्क साहब, मम्मी मैंने चेक किया कि हम सही शादी में आए हैं नहीं आए हैं। तो ये है हमारे दूल्हा एंड दुल्हन, आज अरुण भैया ने अपने बाल पुराने टाइप के खड़ रखे खड़े एकदम जैसे, फोटो लगाओ जल्दी जाके फोटो खिंचाओ एकदम फटाफट पहले। तो यार शादी के फंक्शंस तो मेरे निपट चुके हैं, बस एक छोटी सी बीटी ये हो गई कि मेरी बस पहले यहीं से थी सामने से, जिस चक्कर से मैं एकदम रिलैक्स था, और अभी 5 मिनट पहले उनको कॉल आया कि जो वेन्यू है वो चेंज हो गया है, मतलब जहाँ से पिकअप है वो चेंज हो गया है, तो अब जो बस है वो आपको चंद्रवेणी चौक से मिलेगी। तो अब नाउ ऑल आई हैव टू डू इज रश, और मेरे पास सिर्फ 6 मिनट बचे हैं वहाँ तक पहुँचने में, तो अब निकल रहा हूँ मैं यहाँ से फटाफट, बैठो जल्दी कपड़े चेंज करने, बहुत ज़्यादा लेट है, क्योटिक है सब कुछ मिल रहा, अभी एकदम टू द पॉइंट चल रहा हूँ मैं, 11:30 की मेरी बस है और 6 मिनट रह गए हैं अभी बस में, और टाइमिंग आई मुझे कुछ करना नहीं, और बस वाला कॉल नहीं उठा रहा भाई, वो इसका चंद्रमणि चौक का बस स्टैंड जो है पीछे था ना उसी में मिलेगी। तो कपड़े तो हो गए चेंज गाड़ी में बैठे बैठे, पर बस पता नहीं मेरी कहाँ है, क्योंकि जो उसका स्टॉप दिख रहा है मेरे को जो मैंशनड है उस पर तो मैं हुई चंद्रमणि चौक पे, बट बस नहीं दिख रही आसपास तक, तो एक दूर खड़ी है दो बसें दिख रही हैं यहाँ पे कोने में, यहाँ पे उनसे पता करता हूँ अगर वही हुई तो ठीक है प्रॉब्लम सॉल्व्ड है, क्योंकि कंडक्टर जो है वो कॉल नहीं उठा रहा, टाइम मेरा हो चुका है ऑलमोस्ट प्रॉब्लमेटिक। वो लोग भी हैं जिनसे मैंने पूछ लिया, वो सब वहाँ पे खड़े हैं, बस जो है आधा घंटा डिले है,
तो हमने जो सारी फोटो फोटो छोड़ी वो वेस्ट हो गया मम्मा, आधे घंटे बाद आएगी। तो एक काम करो आप लोग चले जाओ, और भी लोग हैं मैं उनके साथ खड़ोगे, मैं निकल जाऊंगा। नहीं यार वो हम नहीं, 12 बजे ना आप लोग खाना खाओ, डैडी भी घर पे अकेले हैं। ओके जय कर लेता हूँ, जय मम्मा। चलो अभी है ना, आ गई हाँ, ये चलो मैं जा रहा हूँ। टाटा टाटा टाटा, पप्पी दे दो, लाओ पप्पी दे दो। टाटा कहाँ गई, कहाँ है बोल। टाटा टाटा चलो माँ, मम्मा फिर आ रहा था 10 दिन बाद, मम्मा 15-20 दिन बाद आ रहा हूँ। भाई बस अब भी तक भी नहीं आई हूँ, जबकि ऑलरेडी टाइम क्या हो चुका है, ऑलमोस्ट 12, पता नहीं कब आएगी। फाइनली 12:04 द बस इज हियर, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। मीनवाइल तो भाई को छोड़ छाड़ के अपन लोग निकल चुके हैं, मम्मी गाड़ी चलाएगी, अपना आज फीमेल ड्राइवर है, फीमेल ड्राइवर अच्छा। लेडी वो वाला, उस वाले पहले वाले को तो हमारा था ही, परमानेंट वाला वो छोड़ दिया ना हमने, अभी अभी वो दिल्ली जा रहा है, कुछ दिन बाद आएगा। तो अभी हमने टेम्परेरी एक ड्राइवर रखा है अपने साथ, हम लोग घर की तरफ को निकल चुके हैं, घर जाके मिलते हैं। और क्या करना है मम्मा, मम्मा मम्मा ड्राइवरी कब से छोड़ी है। चलो अब डैडी भी वेट कर रहे होंगे हमारा, बाकी खाना वगैरह तो हम लोग बना के आए थे। ये भाई की बस है ना, ये रही अपन भाई की बस। टाटा गाइस, टाटा। चले अपन दोनों मम्मा बेबी, ये मम्मा बेटी, मम्मा बेटी, मम्मा बेबी, हाँ बेबी हूँ मैं आपका बच्चा, छोटा बेबी। अपना एरिया यहाँ पे वैसे हम आज हम राइड पे हैं, सही बात है, तो कैसे होंगे ना, सुनसान तो है ही नहीं देखो रोड पे, लेट भी काफी हो गई है सर, अरे बैठे होंगे वो, अपनी सीट वगैरह देख रहे होंगे यार, फ्लैट पे पहुंच चुके हैं, मतलब ऊपर जा रहा हूँ, बाकी सुलह को करते यहीं पे। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर 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 कर दें। सी यू टाटा।